और चिकनगुनिया और मलेरिया, इस पर हम लोगों ने पिछली बार भी काफ़ी काम किया। इवन डायरिया पिछली बार भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया और देश के अनुपात से हमारा अनुपात बहुत बेहतर था और अभी भी हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया। ये अलग बात है कि कुछ एक मामले ज़रूर आ सकते हैं चिकनगुनिया के या मलेरिया के, लेकिन हम लोगों ने चूंकि इसका बेसिक चीज़ है कि लार्वा को जो है समाप्ति की ओर काम करना, तो हम लोगों ने इसको लेकर पूर्व में ही पूर्व अभ्यास किया और जितनी जगह हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट ने छिड़काव वगैरह करना था, ड्रेनेज वगैरह, और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि पानी का कम से कम जो है पानी का स्टोरेज करें और कहीं पर पानी को जमने ना दें, तो आदि आदि विषय पे काफ़ी कार्य योजना बनाई है। फिर भी यदि कुछ एक मामले हैं तो उस मामले का जो है जल्दी हम निपटारा करेंगे। नहीं देखिए, कमी तो देखिए अभी कमी की बात तो ऐसी है कि पूर्व जो सरकार बनी थी उस सरकार मैंने हमको जो जर्जर व्यवस्था में सौंपा है स्वास्थ्य विभाग, आज उससे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में आ गए हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी पीठ अपने थपथपा रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब COVID-19 आया था तो उस समय हमारे पास एक भी RT-PCR लैब नहीं थे। हम लोगों ने 15 RT-PCR लैब बनाने का काम किया। हमारे पास एक भी कोबास 6800 मशीन नहीं थी, वो भी हम लोगों ने दो जगह लगाने का काम किया। जीनोम सिक्वेंसिंग की एक भी मशीन नहीं थी, वो भी हमने कई जगह लगाने का काम किया है। इसके साथ हमारे PSA प्लांट नहीं थे, अभी कम से कम 115 PSA प्लांट भी हम लोगों ने बनाया है। तो कुल मिलाकर नए इनोवेशन के साथ साथ हम जर्जर व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ओवरनाइट में सारी चीज़ें नहीं सुधर सकती हैं, लेकिन सुधार की प्रक्रिया में सतत प्रतिशील है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।